क्वेश्चन नंबर 18, इफ यू वी डब्ल्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स देन सो डैट डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू का हमारा इसके इक्वल होगा, ये हमें शो करना है। लेकिन ये शो करना है हमें दो तरीके से। पहला तरीका क्या है हमारे पास, इन टू डिफरेंट वेज हमें दो तरीके शो करना है। पहला तरीका है बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल। क्या होता है ये होता है डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी, हमारा यू डैश वी प्लस यू वी डैश यू होता है। इसकी हेल्प से हमें पहले तो इसको शो करना है, प्रूव करना है। उसके बाद सेकंड क्या है हमारे पास, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, मतलब लॉग को यूज़ करके हमें ये शो करना है। ठीक है, तो पहले तो हम इसकी हेल्प शो कर लेते हैं। तो डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, इस पूरे को ये वाला u मान लो, जो हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं उसके लिए इसको v मान लो। ठीक है, तो यू डैश वी प्लस वी डैश यू होता है, तो कर दो फिर। मतलब हमें क्या करना होगा, ये किसके इक्वल होगा हमारा, d अपॉन डी एक्स यू इंटू वी के, फिर इंटू v है ये वाला, मतलब जो यहाँ पे w है, इंटू w प्लस d अपॉन डी एक्स w का इंटू यू इंटू वी। ठीक है, इस पूरे को मैंने u मान रखा है, इसको मैंने v मान रखा है, तो मैंने u डैश इंटू वी प्लस वी, ये रन ये वाला w है हमारा v डैश इंटू ये पूरा जो कि u माना मैंने u। ठीक है, बात समझ में आई। बस ये फॉर्मूला यूज़ किया, कुछ भी नहीं किया है। आपका मन हो कि भैया मैं इसको u ना मान के इन दोनों को u मान लूँ, इसको v मान लूँ, कुछ भी कर लो जो आपका मन करे। तीनों मल्टीप्लाई में किसी को भी u मान लो, किसी को भी v मान लो। आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम। तो अब वापस देख पा रहे होगे आप, यहाँ पे वापस से दो मल्टीप्लाई में है, तो वापस से आपको क्या करना होगा, यू डैश वी प्लस वी डैश यू करना होगा, तो कर दो। तो ये क्या आ गया हमारे पास, यू डैश मतलब डी यू अपॉन डी एक्स इंटू वी प्लस वी डैश मतलब डी वी अपॉन डी एक्स इंटू यू, और मल्टीप्लाई में क्या है इन सब के, डब्ल्यू मल्टीप्लाई, मतलब डब्ल्यू कर दो मल्टीप्लाई, फिर प्लस है तो प्लस लिख दिया मैंने यहाँ पे, फिर डी अपॉन डी एक्स डब्ल्यू का, तो डी अपॉन डी एक्स डब्ल्यू का इंटू में क्या है, u इंटू वी। ठीक है, थोड़ा अच्छे से इसको लिख देते हैं ताकि ऐसा कुछ दिखे ये। तो w मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो इससे w, तो ये क्या हो गया हमारे पास, डी यू अपॉन डी एक्स इंटू वी है और इंटू ये वाला w हो गया, फिर प्लस डी वी अपॉन डी एक्स इंटू यू और इंटू ये वाला w प्लस डी w प्लस डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स इंटू यू इंटू वी। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो आप दोनों सेम है कि नहीं, यू इंटू वी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, यहाँ पे भी देखो सेम है, यू इंटू डब्ल्यू डी वी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे भी सेम है, वी इंटू डब्ल्यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। तो ये प्रूव हो गया है ना, तो हैंस प्रूफ। तो हमने एक तरीके से तो प्रूव कर दिया है ना, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल हमने ये प्रूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमें इसे प्रूव करना है। सेम टू सेम ये काम वापस करने वाले हैं। तो हमारे पास क्या है, इसको y मान लो, ठीक है, कुछ मान लो इसको, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू को y मान लेते हैं, y मान लेते हैं, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो हम log की हेल्प से करने वाले हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो log यूज़ कर लो। ऑन टेकिंग log बोथ साइड आप लिख देना, तो हमें क्या मिलेगा, log y इज इक्वल टू log u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, और हमें फॉर्मूला क्या पता है, log u इंटू ये वाला नहीं फॉर्मूला, दूसरा वाला log m इंटू एन हमारा इक्वल होता है log m प्लस log n के। तो यहाँ पे क्या है, m ये रहा, n ये रहा, एक ये भी है, w भी आ गया, तो तीनों को क्या करेंगे, हम लिख देंगे ऐसे ही, log y इज इक्वल टू log u प्लस log v प्लस log w। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने। आप बोलोगे भैया यहाँ पे दो मल्टीप्लाई में, कितने भी मल्टीप्लाई में हो आप उनको ऐसे लिख दोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, हमें क्या मिलेगा, log y का क्या मिलेगा बताओ, वन अपॉन y मिलेगा, फिर हमें y को भी डिफरेंशिएट करना होगा, तो लिख दूँ मैं यहाँ पे वन अपॉन में y, फिर y को डिफरेंशिएट करो तो dy अपॉन में dx मिल जाएगा, इक्वल टू में इसे करो वन अपॉन में u, फिर u को करो तो डी यू अपॉन में डी एक्स मिलेगा आपको, फिर प्लस का प्लस log v को करो तो वन अपॉन में v, और v को करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो डी वी अपॉन में डी एक्स मिल जाएगा,
और log w करो तो 1 अपॉन में w, और फिर w को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x तो dw अपॉन में dx। ठीक है, तो यहाँ से हमें dy अपॉन dx की वैल्यू क्या मिली, y डिवाइड में मल्टीप्लाई कर दो, y की वैल्यू क्या है u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तो यहाँ पे u इंटू वी इंटू डब्ल्यू मल्टीप्लाई कर दो इन सब के साथ, तो ये सब हमारे पास क्या क्या है, 1 अपॉन में u डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस 1 अपॉन में v डी वी अपॉन में डी एक्स प्लस 1 अपॉन में w डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स। तो मल्टीप्लाई करो और बताओ क्या आंसर आता है। अगर मैं इसको पूरे से मल्टीप्लाई करता हूँ इससे, तो u से मेरा u कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा v और w, तो v इंटू डब्ल्यू और यहाँ पे क्या है डी यू अपॉन में डी एक्स। समझ में आई बात, ये इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो v से v कैंसिल, सॉरी u से u कैंसिल, तो v इंटू डब्ल्यू बच गया और डी वी अपॉन डी एक्स आएगा, फिर प्लस का प्लस। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो इस बार v डिवाइड में है तो v से v कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा u इंटू डब्ल्यू। ठीक है, और यहाँ पे क्या है डी वी अपॉन में डी एक्स प्लस, अब इसको इसको मल्टीप्लाई करो तो w से w कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा u इंटू वी बच जाएगा, और यहाँ पे क्या है डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, ये लिख दो आप। ठीक है, अब मैच कर लो, सेम है कि नहीं, सेम है कि नहीं, देखो ये मल्टीप्लाई में सेम सेम, ये भी सेम, पूरा सेम है, u इंटू डब्ल्यू यू इंटू डब्ल्यू डी वी अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, है कि नहीं, पूरा सेम है ना, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया, तो हैंस प्रूव। ठीक है, इतना ही करना था और ऐसे ही करना है आपको, सिंपल है बिल्कुल बस। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। राधे राधे।